अगर मैं अपने बारे में कभी आपको बताऊंगी तो वो इतनी सी बात है कि आप जो ये छोटी छोटी चीजों से परेशान हो जाते हो कि हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, हमारा बैकलॉग इकट्ठा हो गया है, या मेंटल स्ट्रेस किसी भी तरह का फेस करते हो, वो बेटा हर इंसान फेस करता है, हर इंसान फेस करता है। और एक चीज क्लियर रखना, जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए कि वो टेम्प्ररी है। ना तो किसी चीज की खुशी से बहुत ज्यादा खुश हो जाओ, ना ही बहुत ज्यादा दुखी हो जाओ। एवरीथिंग इज टेम्प्ररी। सुना होगा परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो चेंज एक्सेप्ट करो फर्स्ट थिंग, एंड एवरीथिंग इज टेम्प्ररी। आपको नहीं पता आप क्या कर सकते हो। मैंने कितने स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल दिया, मैं आपको मेरा भी एग्जाम्पल दूंगी। मेरी 10th की परसेंटेज, मेरी 12th की परसेंटेज, मेरी ग्रेजुएशन की परसेंटेज, आई एम द वन जिसको केमिस्ट्री नहीं मिली थी जिस यूनिवर्सिटी से मैं करना चाहती थी। मुझे फिजिक्स नहीं मिली थी, मैं एमएससी फिजिक्स से करना चाहती थी, है ना, ये मेरा टर्निंग पॉइंट था बेटा। और क्यों? मार्क्स उतने नहीं थे, कट ऑफ जाती है, तो नहीं मिली मुझे फिजिक्स नहीं मिली। एंड एट दैट टाइम आई स्ट्रगल्ड अ लॉट, क्योंकि वी आर 4 siblings, तो बहुत सोचती थी मैं, मतलब सोचते हैं पेरेंट्स के बारे में कि पापा कैसे करेंगे, मम्मा कैसे करेंगे, गवर्नमेंट जॉब में फादर हैं, कैसे मैनेज करेंगे, दीदी ऑलरेडी बीटेक कर रहे हैं, उनका इतना फी है, मेरे जस्ट बाद मेरा ब्रदर है तो उसके लिए भी पापा को करना है। मैं सोचती थी ऐसा कि कैसे करेंगे। और उस चीज की वजह से मैंने काफी सारी चीजें नहीं की जो मैं करना चाहती थी। मैं पढ़ाई की बात कर रही हूं, क्योंकि आपको पता है हर चीज में कितना पैसा लगता है। मैं आपको हर बार 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 क्यों बोलती हूं कि आप लोग पढ़ो, क्योंकि आपको अभी इस कोचिंग का वर्थ नहीं पता। जो चीज आप 4000 में कर रहे हो, यू आर हैविंग एनसीईआरटी डिस्कशन, यू आर हैविंग पीवाईक्यूज, यू आर हैविंग डाउट सेशंस, इतना तो ऑफलाइन कोचिंग में भी नहीं मिलता। और उस ऑफलाइन कोचिंग के बारे में सोचने के लिए कहते ना, मतलब देख लो पहले खुद क्या हो, परसेंटेज डिसाइड करती थी उस टाइम पे कि आपको कोचिंग कराई जाए या नहीं कराई जाए। तो आप एक पॉइंट पे तो वहीं जज हो जाते थे। और आपने कोचिंग कर ली तो आते पेरेंट्स समझते थे मेरा बच्चा डॉक्टर, मेरा बच्चा इंजीनियर, तो यू ऑल आर वेरी लकी। तो वो फेज एक निकला। स्टिल ऐसा नहीं है कि मतलब एक सबका होता है कि भाई ये करना है, सपने बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो सपने ऐसा नहीं है कि वो फेज निकल गया तो पूरे नहीं होंगे, वो होते हैं। एक पॉइंट आया जब मेरा मास्टर्स का रिजल्ट आया था, मैंने कभी टॉप नहीं किया, मैं कभी टॉपर नहीं रही, आई एम एवरेज स्टूडेंट। मैंने आपको बताया था आई एम ऑलराउंडर, मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट है, मुझे डांस में इंटरेस्ट है, एवरीथिंग, लेकिन वो हर चीज मैंने फेस की है। एंड द ब्राइटेस्ट फ्यूचर यू आर हैविंग एजुकेशन, सीरियसली आपको रिस्पेक्ट मिलती है जो आप डिजर्व करते हो, तो आपकी नॉलेज कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो वो एक फेज था। एंड मास्टर्स में मतलब वो केमिस्ट्री जिसे मैं पसंद नहीं करती थी, ठीक है, पसंद नहीं करती थी, वाई, मतलब इंटरेस्ट ही फिजिक्स में था लेकिन नहीं मिली। और जब वो नहीं मिली थी बेटा, उस टाइम पे क्या था कि वेटिंग लिस्ट में नाम चल रहा था मेरा, और मुझे मिली, लेकिन जब तक मुझे फिजिक्स मिली तब तक मेरा केमिस्ट्री में एडमिशन हो गया था और एक मंथ क्लासेस हो चुकी थी। तो एट दैट टाइम मेरा जब नंबर आया तो यूनिवर्सिटी से कॉल आया था घर पे कि आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, उन्होंने मुझसे ये पूछा। मतलब जिस फिजिक्स की क्लास मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी वो पता करने के लिए मैं रोज जा रही हूँ फिजिक्स डिपार्टमेंट में, एंड सेइंग कि जब आएगा तो आपको कॉल आ जाएगा, आएगा, ठीक है। तब तक मैंने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लिया था जस्ट बिकॉज कि मेरा फी ट्रांसफर वहीं से वहीं हो जाएगा। मैंने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में रहा, मैं पढ़ाई की, और एक मंथ हुआ उसके बाद मेरा नंबर आया, लेकिन घर पे कॉल आया तो क्या बोला कि आपको क्या कहते हैं, आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया क्या, यूनिवर्सिटी का नाम बोला, मैंने कहा हाँ ले लिया। तो उन्होंने क्या लगा, उनको क्या लगा कि मैंने फिजिक्स में ले लिया। अब उसके बाद कुछ दिनों बाद मैं वापस फिजिक्स डिपार्टमेंट में गई कि सर मेरा नाम नहीं आया अभी तक, इतने भी कम नंबर नहीं थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम आपने मना कर दिया फिजिक्स में एडमिशन लेने से, उन्होंने ये मुझे बोला। और वो मेरे लिए शॉकिंग था, क्यों, क्योंकि मैं लिटरली मतलब बस रो गई कि भाई ये क्या हो गया, जिसके लिए मतलब मैं चाहती थी कि मैं मास्टर्स अपना फिजिक्स से करूं, मेरा इंटरेस्ट है, मेरा मैकेनिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स थे ग्रेजुएशन में, मुझे इंटरेस्ट ही उसमें था। उन्होंने कहा कि नहीं मैम ऐसा ऐसा था। एट दैट टाइम मतलब मैं इतना परेशान हुई कि मैंने एप्लीकेशन लिखा, मैंने वाइस चांसलर सर को बोला कि मेरे पास ऐसा था, मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया अपनी सिचुएशन का कि मैंने, मुझे ये नहीं बोला गया कि फिजिक्स में आपका नंबर है, आपने उसमें एडमिशन ले लिया क्या। तो जैसे तैसे करके मेरे लिए सीट क्रिएट भी हुई। लेकिन हम कहते हैं ना, हमें नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ बेटा कि मैंने टीचर्स वगैरह से डिस्कस किया सब कुछ, और मैं फिजिक्स में शिफ्ट ना होकर मैं केमिस्ट्री में ही रही, ठीक है। अब सोचो जिसका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट ना हो वो एमएससी कर रहा है, और सोचो ऑलरेडी हम इस पीक पे पहुंच गए कि सारी क्लासेस निकल चुके हैं, 11, 12 बेसिक्स एंड ऑल। उसके बाद पढ़ना शुरू किया, फर्स्ट सेमेस्टर आई गॉट 5th rank इन माय क्लास, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिला। फिर उसके बाद पता चला कि भाई फिर मुझे लगा कि नहीं कर सकते हैं। सेकेंड सेमेस्टर आया, आई गॉट 2nd rank इन होल यूनिवर्सिटी, और मोटिवेट हुई। मतलब जो बच्ची कभी बिल्कुल पढ़ाकू ना रही हो, आई एम एवरेज, बट एट द टाइम ऑफ माई मास्टर्स व्हाट आई रियलाइज, मैं सब करके देख चुकी थी, मैं डांस की लाइन में जाके देख चुकी थी, स्पोर्ट्स में जाके देख चुकी थी, और एक चीज मुझे क्लियर दिखाई दे रही थी कि एक जगह जहां पे आपको किसी पिलर की जरूरत नहीं है वो है एजुकेशन, जहां पर आपको अपने बेस के साथ आपको अपने बेस से हटने की जरूरत है, आपको अपने संस्कार से हटने की जरूरत नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं आपको स्ट्रॉन्ग अगर रहना है। तो मैंने फिर वो 2 साल जी जान लगाकर पढ़ाई की, एंड एट द सेम टाइम सारे सिबलिंग्स बाहर पढ़ रहे थे, मैं घर पे थी। अब जो घर पे रहता है उसको बहुत कुछ हैंडल करना पड़ता है, कुछ गर्ल्स आप में से भी होंगी जो घर का काम भी करते होंगे, तो
काम से परेशान मत होना और काम को कभी ये मत समझना कि इसकी वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, ऐसा कोई काम नहीं है घर पे जो मैंने नहीं किया। एट दैट टाइम मॉर्निंग में मतलब घर का पूरा काम आप समझ सकते हो, पूरा काम इंक्लूडिंग झाड़ू पोछा खाना बना सब, क्यों, क्योंकि मम्मी की हेल्थ उस टाइम सही नहीं चल रही थी, तो वो सारा काम करके मैं 30 किलोमीटर ड्राइव करके स्कूटी से कॉलेज जाती थी। 30 किलोमीटर मेरे घर से डिफरेंस है, मेरा घर स्टेशन एरिया, यूनिवर्सिटी 30 किलोमीटर जाती थी, और वहीं पे बैठ के पढ़ना, क्लासेस अटेंड करना, प्रैक्टिकल परफॉर्म करना, और शाम तक क्या लौट कर आती थी, ठीक है, 30 किलोमीटर ड्राइव कर आके फिर से पूरा घर का काम हैंडल करना, क्योंकि जब आप होते हो घर पे तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी संभालनी पड़ती है इस टाइम पे। अब मेरे को हमेशा क्या लगता था कि यार मेरे साथ वाले जो बच्चे हैं वो तो कुछ काम भी नहीं करते, वो हॉस्टल में रहते हैं, वो तो पूरे टाइम पढ़ते होंगे, तो मेरे को तो लॉस हो रहा है, आधे टाइम मेरे दिमाग में ये भी आता था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर आई गॉट सेकंड रैंक, फर्स्ट रैंक चेंज होती रहती थी बट मैं कांस्टेंट थी सेकंड रैंक, मतलब आई गॉट इन माय ग्रेजुएशन एवरेज परसेंटेज 67.8 एंड इन माय मास्टर्स जहां पर मैंने डेडिकेटली पूरा घर का भी काम किया, पूरा मैंने पढ़ाई किया, पूरा मेहनत किया, आई गॉट 84% एंड आई एम गोल्ड मेडलिस्ट। कैन यू इमेजिन, इन 172 कॉलेजेस आई गॉट गोल्ड मेडल, एंड किसी को नहीं पता था कि डॉली ऐसा कर सकती है। तो एक होता है ना, सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होता है घर पे बताने का, तो मैंने घर पे बताया, मैंने घर पे बताया कि पापा ऐसा ऐसा है, न्यूज़पेपर में फोटो आया है एंड आई एम द गोल्ड मेडलिस्ट। तो पापा वाज लाइक, किसी को एक्सपेक्ट ही नहीं था क्योंकि मैं बस कर रही थी, किसी ने ये नहीं सोचा कि डॉली कैसे कर रही है, कैसे मैनेज कर रही है, सबको लगता था कि घर के काम में एक्सपर्ट है, ठीक है एक दो साल बाद इसकी शादी कर देंगे, ऐसा ऐसा सीन चलता है घर पे, यही तो चलता है, पढ़ाई पूरी होने वाली है इसकी। एंड जब मैंने पापा को बताया, पापा वाज लाइक, बेटा स्टाफ वाले मतलब सच में तू ही है ना, पापा को बिलीव नहीं था। मैंने कहा पापा मैं ही हूँ, पक्का मैं ही हूँ, आप जाओ मिठाई खिलाओ जो करना है करो, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ माय फादर कि बेटा तू ही है ना जिसका ये नाम आया है और ये गोल्ड मेडल। मैंने कहा हाँ पापा मैं ही हूँ। तो दैट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, सीरियसली, मतलब एट दैट टाइम, मतलब जहाँ एक होता है ना बेटा कि आपको भी अभी लगता होगा घर वाले आपको कुछ समझते नहीं है, मतलब रिलेटिव कोई कुछ नहीं समझता था, एंड आप डॉली, सीरियसली डॉली, मतलब सबको ये लग रहा था कि भाई सच में इसने किया है, तो साइलेंटली मेहनत करो, साइलेंटली मेहनत करो और आपका रिजल्ट, मैंने कहा ना आपको खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा, कोई आपको कितना भी डिमोटिवेट करे तू डॉक्टर बनेगा बहुत नॉर्मल है। आप सोचो आप अभी 10th class 11th class 12th class के बच्चे हो, कितना परेशान हो जाते हो, हाँ मेरा टाइम सोचो, अब मैं तो मास्टर्स में आ चुकी थी बट मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे सब चीज को असाइड करके जिस लाइन में मैं हूँ, जो चीज मैं कर रही हूँ मुझे उसमें बेस्ट करना है। मैं स्कूल में ऑलराउंडर थी, 12th class में मैं हेड गर्ल थी स्कूल की, एंड स्टिल आफ्टर 12th आई एम द ओनली वन ऑफ माई क्लास जिसने BSc किया था, ग्रेजुएशन किया था। Everyone is doing B.Tech from a good college, क्योंकि भाई पैसा भी होता है बहुत बड़ी चीज़, और मैंने अपने आप को ये सोच सोच कर कि नहीं यार बहुत पैसा खर्च होगा, ये होगा वो होगा, मैंने अपनी लाइन ही चेंज कर ली। बट मैं बहुत टाइम तक सोचती रहती थी क्योंकि पूरी फैमिली में कोई नहीं है BSc, ऑल आर इंजीनियर्स एंड ऑल आर दिस, बट इन मास्टर्स आई डिसाइडेड जो मैं कर रही हूँ वो मुझे बेस्ट करना है। तो कभी खुद को ना मतलब आप डिमोटिवेट इस चीज को सोच के मत किया करो कि आप जो कर रहे हो वो छोटी चीज है, जो करो बेस्ट करो। मैं नहीं कहती आपको कि कल टेस्ट है, आज बहुत सारा बैकलॉग है, तो बैकलॉग को लेकर रोगे क्या, जो करो बेस्ट करो। मैंने उस टाइम पे केमिस्ट्री की CHEMES TRY सब कुछ, ऑर्गेनिक मेरा फियर था, ऑर्गेनिक में मैंने स्पेशलाइजेशन किया एंड आई गॉट गोल्ड मेडल इन दिस। एट द सेम टाइम आई गॉट प्लेसमेंट्स, एट द सेम टाइम आई गॉट द हाइएस्ट पैकेज इन माई होल फैमिली एट द सेम टाइम, एंड उसके बाद भी मेहनत खत्म नहीं होती है, उसके बाद भी मैंने मेरा 100% दिया, बच्चों का इतना प्यार मिला, आज मैं आप लोगों के साथ हूँ और मैं एक बिग क्राउड को आज पढ़ा रही हूँ। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कि आपको अपने हार्डवर्क पे भरोसा रखना है। आपका बचपन आपका प्रेजेंट डिसाइड नहीं करेगा, आपकी घर की सिचुएशन नहीं डिसाइड करेगी कि आप क्या कर सकते हो। बहुत नॉर्मल है, आप खुद को डिमोटिवेट भी करते होंगे, आपका इंटरेस्ट कोई और होगा, लेकिन घर वाले आपको नहीं अप्रिशिएट करते उस चीज में। आई जस्ट लव टू डांस, मैंने आपको बताया हुआ है डांस में किस लेवल तक गई थी। आई जस्ट लव स्पोर्ट्स, कबड्डी मेरा नेशनल, बास्केटबॉल मेरा नेशनल, बहुत सारे गेम्स में मुझे इंटरेस्ट है, एवरी आउटडोर गेम्स, ठीक है। तो कभी खुद पे भरोसा मत खोना, खुद पे भरोसा करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अगर भरोसा खो दिया, बस आपको याद है स्टार्टिंग में कितने स्पैमर्स आते थे, एवरीथिंग, बट मुझे भरोसा था। आज आप ही वो बच्चे हो जो मुझे इतना प्यार कर रहे हो, आप ही वो बच्चे हो जो लिखते हो डॉली मैम ओपी, आप ही वो बच्चे हो जो लिखते हो डॉली मैम इज बेस्ट। तो अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। जिसने आपकी लाइफ का एक सिंगल मोमेंट नहीं जिया वो क्या जानता है आपके बारे में, वो क्या बता सकता है आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। अरे जितना आप आपके बारे में जानते हो ना कोई नहीं जानता, और एक टीचर जो आपको पढ़ा रहा है वो जानता है कि आपके क्या एफर्ट्स है, आप क्या लाइफ में कर सकते हो। तो कभी लाइफ में डिमोटिवेट नहीं होना, आपकी एज डिसाइड नहीं करती आप क्या कर सकते हो। स्टिल मतलब वो जो पॉइंट था ना, एट दैट टाइम माई फैमिली एवरीवन, माई नाना जी जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, उन्होंने मुझे कहा, मैं पहली बार घर से बाहर मास्टर्स के बाद निकली हूँ, तब तक मैं मेरे घर पे थी, मैं कोटा से बाहर भी नहीं निकली थी,
ना जॉब के लिए ना पढ़ाई के लिए। सोचो मेरी पूरी पढ़ाई कंप्लीट हुई, फर्स्ट टाइम मैं बाहर निकली और जॉब के लिए निकली। ठीक है, तो अपने आप को कभी डिमोटिवेट मत करना कि पेरेंट्स नहीं समझते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। सब सब समझेंगे, आपको भी वही रिलेटिव सब आपकी तारीफें करते हैं, सब कुछ करते हैं। ऑल डिपेंड्स आप खुद पे भरोसा रखें। ठीक है, तो ट्रस्ट योरसेल्फ, बट आप जो कर रहे हो वो आप जानते हो। मैं ये भी नहीं बोलूंगी बेटा कि नीट में अगर नहीं हुआ या नीट में हो गया, मैंने भी IIT दिया था, मैंने भी AAEE दिया था, एग्जाम तो सब देते हैं, बट उसने मेरा फ्यूचर डिसाइड किया क्या? उसने मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं किया। आज जो मेरे कलीग्स IITians हैं, आज मैं उनसे बेस्ट पोजीशन पर हूँ। तो वॉट डिपेंड्स, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना, अपने उस टाइम पे भरोसा रखना जब आपको करने का मन करे। और भी बहुत सारी चीज़ें बेटा जो एक फीमेल फेस करती है जब उसको आगे बढ़ना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेल्स भी फेस करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आपके साथ भी वो चीज़ें आएंगी, आप अपनी बेस पर स्ट्रांग रहना ताकि खुद से आंखें मिला सको। ठीक है, ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। आर यू मैरिड मैम? नो, आई एम नॉट मैरिड। ओके,